तो अक्टूबर के मंथ में आने के इस मूवी के चांसेस तो बिल्कुल बन ही नहीं रहे थे, क्योंकि दोस्तों जियो डिलेमा जिसका मैंने नामकरण किया है वो भाई बिजी था अपने फिल्म फेस्टिवल पर। 18 अक्टूबर को उनका फिल्म फेस्टिवल खत्म हो चुका है, तो अब चांसेस है कि जरा हटके जरा बच के मूवी OTT पर देखने को मिले, और भाई अब तो देखने को मिली जाए यही सारे फैंस उम्मीद कर रहे हैं। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। खैर दोस्तों आप अपना एक्सपीरियंस जरूर से कमेंट में शेयर कीजिए जियो डिलेमा को लेकर, क्योंकि वैसे तो ऐप में जाते हो तो आपको एक्सपीरियंस शेयर करना पड़ता है, लेकिन आप अपनी राय कमेंट में दे दीजिए कि इस ऐप को आपको मतलब कैसे देखते हो आप, क्योंकि ऐप तो बहुत बड़ा है और नाम भी बहुत बड़ा है। तो जियो डिलेमा तो हाँ सही चीज़ है। बात करें जरा हट के जरा बच के मूवी के बारे में, तो इसे रिलीज हुए 4-5 महीने के ऊपर हो चुके हैं। किसी और प्लेटफॉर्म पर मूवी कब की आ गई रही थी, लेकिन दोस्तों खैर इस मूवी के राइट जियो डिलेमा ने एक्वायर किए, तो अब सारी चीज़ें उनके ही हाथ में है। मूवी दोस्तों काइंड ऑफ एक सुपर हिट ही है, क्योंकि मूवी के कलेक्शन अच्छे खासे थे, मूवी के गाने सुपर हिट थे, और जिन लोगों ने इस मूवी को देख लिया भाई वो लोग लकी है कि जो उन्होंने थिएटर में जाकर देखा, वरना OTT के भरोसे हम सब अब सभी बैठे अभी भी, तो हाँ देख रहे हो कैसा हाल है। बात करें इसके OTT प्लेटफॉर्म को लेकर, सभी को पता है मैंने स्टार्ट से यही बोला कि जियो डिलेमा इसका जो है OTT प्लेटफॉर्म है। बात आती है रिलीज डेट को लेकर, तो इसमें को वैसे अक्टूबर के एंडिंग तक रिलीज हो जाना चाहिए था, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया जियो सिनेमा के जियो प्लेटफॉर्म पर एक दोस्तों फिल्म फेस्टिवल चल रहा था, आपने देखा होगा एडवर्टाइज वगैरह में, तो उस वजह से मूवीज जो है काफ़ी ज़्यादा मूवीज डिले होते गई, और कोई बड़ी सीरीज जो है वो भी जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म पर रिलीज इसी कारण वजह से नहीं हुई है। तो बात आती है इस मूवी को कब रिलीज किया जाएगा, तो अब बिल्कुल हाई चांस है कि इस मूवी को नवंबर के मंथ में रिलीज कर दिया जाए। बहुत ज़्यादा मतलब कई सारी अपडेट्स अब ये बोल रहे हैं कि नवंबर के सेकंड वीक या फिर थर्ड वीक तक इस मूवी को अब रिलीज कर दिया जाएगा, इससे ज़्यादा ये मूवी पोस्टपोन नहीं होने वाली, क्योंकि दोस्तों पहले ही इसे पोस्टपोन करते हुए इतने दूर ला लिया गया है। खैर दोस्तों क्या सोचते हो इस मूवी के बारे में कमेंट में जरूर बताना, लाइक कर दो, चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।